हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं कांजी वड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक राजस्थानी रेसिपी है। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। इसका पानी भी बहुत ही टेस्टी होता है। इसके लिए सबसे पहले राई लेंगे, ये बहुत ही बारीक होती है, इसको दरदरा पीस लेना है। चलिए तैयार करते हैं कांजी। कांजी के लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इसमें 3 चम्मच ऐड करेंगे राई के। ये पानी हमने बॉयल करना, या फिर आरओ का पानी ले सकते हैं। और ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच सॉल्ट और 1 चम्मच डालेंगे सेंधा नमक, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इन सभी को मिक्स कर लेंगे। ये कांजी हमने 3 दिन रखनी है, 3 दिन के बाद ही ये तैयार होगी। इसको कवर करके रख देंगे। इसको स्टील के बर्तन या कांच के बर्तन में ही तैयार किया जाता है। ये 3 दिन हो गए इसको रखे हुए, ये कांजी बनके तैयार है। और अब बड़े की तैयारी करेंगे। मैंने मूंग दाल भिगो के रख ली थी। ये 1 कप मूंग दाल है, इसको मैंने 3-4 घंटे भिगो के रखा है। इसको अब ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लेंगे। इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाना, तभी ये टेस्टी बनते हैं बड़े। इसमें 3 मिर्च ऐड करेंगे और जिंजर के पीसेस डाल देंगे, ये 1.5 इंच तक के जिंजर के पीसा, और सॉल्ट डाल देंगे। मैंने 1 चम्मच सॉल्ट ऐड कर दिया। इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, इसका पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये ऐसी भीगी हुई दाल को ग्राइंड कर ले तो बहुत अच्छी सी पीस जाती है। मैंने इसको बड़े बॉल में निकाल लिया है और इसको विस्कर से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए चलाएंगे, ताकि थोड़ा सा इसमें हवा एयर आ जाए और ये अच्छे बड़े बने। इसको मैंने 5 मिनट ऐसे करा और ये तैयार है। अब एक बाउल ले लेना, उसमें 1 लीटर पानी डालेंगे और उसमें नमक डाल लेंगे। ये पानी सिंपल ही लेना है। मैं इसको हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। इसके लिए हमने बैटर ले लेना है और गुनगुना पानी और सिंपल पानी ले लेना है। अब बड़े बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी में हाथ गीले कर लेंगे और बड़े डालते जाएंगे गरम तेल में। जो तेल है ज़्यादा गर्म नहीं करना, स्लो टू मीडियम रखना है, हाई पे नहीं रखना है, नहीं तो ये बड़े कच्चे रह जाएंगे अंदर से। इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। ये बहुत ही फूले फूले बड़े बन के तैयार होंगे। बड़े एक तरफ से पक जाए तो हम पलटा देंगे। इसको ऐसे ही मीडियम आंच पे पकाएंगे और ये बनके तैयार हो जाएंगे। इनको जब हम निकाल लें तो इसको डायरेक्ट पानी में डाल देंगे, जिसमें हमने नमक डाला था उस पानी में इसको डाल देंगे, ताकि ये पानी में फूल जाए। मैं एक बार और फ्राई कर रही हूँ बड़ों को। ऐसे ही सारे बड़े बना के तैयार कर लेने हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसको त्योहारों के दिनों में ज़्यादा करके बनाया जाता है। जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बीच में ये नमकीन और चटपटा स्नैक्स बहुत ही अच्छा लगता है। ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, ये डाइजेस्ट भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। सभी बड़े बन के तैयार हैं। इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इधर कांजी भी हमारी तैयार है। ये 3 दिन के बाद ऐसी कांजी बनके तैयार हो जाती है। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी कांजी होती है। इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी पी सकते हैं। इसमें अब जो बड़े हैं उसको हाथों से प्रेस करते हुए सारा पानी निकाल देंगे और इसको कांजी में डालते जाएंगे।
बड़ों में से पूरा पानी निकाल देंगे तो जो कांजी का पानी है ये सोख लेगा, तो ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे। ऐसे ही सारे बड़े हमने करके कांजी में डाल देने हैं। सभी बड़े बनके तैयार है। इनको हमने ठंडे होने के लिए रख देना है, फ्रिज में भी ठंडे होने के लिए रख सकते हैं। ये ठंडे हो गए हैं, फ्रिज में मैंने रखे थे थोड़ी देर के लिए। अब ये रेडी है खाने के लिए। हमने कटोरियों में डाल लेंगे बड़े और कांजी। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा, क्योंकि ये एक डाइजेस्टिव रेसिपी है। ये त्योहारों के दिनों में और गर्मियों में बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको एक बार जरूर बना के देखें, आप कमेंट में जरूर बताएं ये रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी, और न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कांजी में हम ये बूंदी जो दही में डालते हैं वो भी डाल के खा सकते हैं, ये भी बहुत ही टेस्टी लगती है बूंदी। आप इसको भी डाल लो और ट्राई करो। बूंदी डालने से कांजी बड़े का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। कांजी में अकेली बूंदी डाल के भी खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।